मुसल्लापुर हाट, पटना बिहार। छठ पर्व महापर्व के अवसर पर मुसल्लापुर हाट का बाज़ार सजा हुआ है, लेकिन यहाँ ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। सभी दुकानदारों को इस अवसर पर ग्राहक का इंतजार है, ग्राहक कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। डेंगू का लगता है, नेताजी के सामने हमको भी ले लीजिए। छठ महापर्व बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है और बिहार की पहचान भी छठ महापर्व से है। पूरे देश में और दुनिया में जो कोई भी घर से बाहर होते हैं वो छठ पर्व के अवसर पर जरूर छुट्टी लेकर बिहार आते हैं। विशेष रूप से गंगा घाट के किनारे जो पटना बसा हुआ है वहाँ लोग आते हैं छठ करने के लिए। लोगों की यह मनोकामना भी होती है कि गंगा किनारे ही छठ करें, वो भी पटना में। लेकिन इस महापर्व के अवसर पर पटना का सबसे बड़ा मंडी, पूरा ही सन्नाटा है यहाँ। आइए जरा मिलते हैं यहाँ के वार्ड काउंसिलर से, वार्ड नंबर 47 के। नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। छठ महापर्व के अवसर पर अक्सर यहाँ इस मार्केट में मुसल्लापुर हाट में भीड़ देखी जाती थी, ग्राहकों की कतार लगी रहती थी, लेकिन इस बार मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ग्राहक जो है वो बहुत कम है। कारण बताएंगे क्या, कौन सा कारण है क्या? सबसे पहले मैं पूरे बिहारवासी को और ख़ासकर वार्ड नंबर 47 और मुसल्लापुर हाट की जनता को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि वो इतना प्रमुख पर्व, आस्था का पर्व छठ पूजा जो मनाया जाता है, आज पटना पूरा चकाचक नज़र आता है। घाटों की स्थिति बहुत बेहतर है, पूरा घाट सुंदर सज गया है, हर गली मोहल्ला साफ सुथरा लगता है। हम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जैसे छठ पूजा में पूरा क्षेत्र का साफ सफाई लगते हैं, उसी ढंग से हर रोज़ रखें। जहां तक बाज़ार की बात है, थोड़ा बहुत असर मार्केट में है, महंगाई का असर है, कुछ डेंगू का प्रकोप भी है। इस बार पटना महानगर में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके कारण लोग छठ नहीं कर पाए, महंगाई है, लेकिन फिर भी स्थिति अच्छी है। अभी स्नान नहाए खाए का दिन है, आज नहा के खाने के बाद फिर बाज़ार स्वतः तेज़ी से चलने लगता है और बाज़ार अपने रंग रूप में आ जाएगी। अभी थोड़ा सा होता है कि जो आज का पूजा प्रथम दिन पहला दिन है, उस पूजा का शुरुआत नहाए खाए से होता है। आज कद्दू भात लोग कर रहे होंगे, ग्रहण करने के बाद फिर बाज़ार आएंगे और बाज़ार में आकर फिर अपना बाज़ार का रौनक आएगा। लेकिन आपका कहना सही है कि बाज़ार में रौनक कम है। रौनक कम का प्रमुख कारण है थोड़ा महंगाई और थोड़ा डेंगू का प्रकोप। GST की भी मार है? GST तो पूरा मार है, लोग GST के बारे में समझ ही में नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लगभग यहाँ 100 से 200 दुकानदार होंगे, लेकिन GST के कारण सचमुच में मार पड़ा हुआ है। बड़े मार्केट से सामान उठाना मुश्किल है, छोटे व्यापारी को सबसे ज़्यादा परेशानी है कि GST के बारे में उनको पूर्ण जानकारी नहीं है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि GST के बारे में मार्केट में सर्वे करके GST क्या होता है, GST कैसे करना है, कैसे रसीद काटना, उसका पूरा प्रशिक्षण हर मार्केट में दे, तभी GST का फायदा है। GST से लोगों को फायदा है, लेकिन समझ में नहीं आने के कारण GST का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। GST के लिए तो सरकार बहुत खर्च कर रही है, लाखों रुपये खर्च हो रही है और बहुत सारा वर्कशॉप भी होता है पटना में, ट्रेनिंग भी हो रहा है और अखबारों में विज्ञापन भी निकल रहा है। ट्रेनिंग हो रहा है बड़े बड़े व्यापारियों के लिए। जी जी। यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं तो इन लोगों के लिए स्पेशल विशेष रूप से मार्केट में GST के बारे में
जानकारी देना चाहिए जी, प्रशिक्षण देना चाहिए कि जीएसटी का ये रूप है, ऐसे जीएसटी होता है। यहाँ छोटे व्यापारी, कम पढ़े लिखे व्यापारी हैं, यहाँ भिन्न भिन्न लोग सब्जी बेचते हैं, तरह तरह हजारों दुकानदार हैं, उनको जानकारी नहीं है जीएसटी के बारे में। इसलिए जीएसटी के बारे में पहले मार्केट में आके अधिकारी को चाहिए कि जानकारी दें, उसके बाद जीएसटी का भरपूर फायदा लोगों को मिलेगा। इसके लिए कैंप लगाया जाना चाहिए, बिल्कुल कैंप लगाना चाहिए, बिल्कुल कैंप लगाना चाहिए। और निःशुल्क ये प्रशिक्षण भी हो तो निःशुल्क हो, और जीएसटी जिसको लेना है उसे सरकार के यहाँ चक्कर ना लगाना पड़े, वकील को फीस ना भरना पड़े। क्या होता है, जीएसटी का नंबर लोग लेने जाते हैं और उन पर एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है, आर्थिक शोषण भी हो रहा है। आर्थिक शोषण होता, वही मैं बोलने चाह रहा था कि आर्थिक शोषण होता है। अगर किसी दुकानदार को मालूम नहीं है और जीएसटी के लिए गए ऑफिस में गए, उनसे पैसा का डिमांड एक्स्ट्रा होता है, वो सब बचाने के लिए मार्केट में स्वतः आके जीएसटी सबको देना चाहिए और उनके बारे में जानकारी देना चाहिए। मुझे सूचना भी मिली है कि बहुत सारे जो है कस्टमर या जो व्यापारी है उनसे 500 रुपए से लेकर के 35,000 तक का घूस लिया जा रहा है। बिल्कुल सही आपका कहना है। अब बहुत सारे ऑफिसरों को बिहार सरकार और केंद्र सरकार की ओर से निष्कासित भी किया गया, घूसखोरी किया। देखिए, एक दो को पकड़ाता है जी जी, उससे नहीं व्यवस्था सुदृढ़ होता है। उसके लिए कैंप लगाना पड़ेगा, हर मार्केट में सबको जानकारी देना पड़ेगा। बिना जानकारी के जीएसटी कभी भी सफल बिहार में नहीं होगा। और कुछ ग्राहकों का और व्यापारियों का कहना है कि मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं आता, हाथ कांपता है कंप्यूटर में मेरा। देखिए, अब तो सिस्टम आ गया है, कंप्यूटर सीखना चाहिए लोगों को। जी जी, कंप्यूटर नहीं जानते तो अपने बच्चों को, अपने स्टाफ रखे। आजकल मेड इन इंडिया चल रहा है, आगे हर आदमी के पास स्मार्टफोन मोबाइल है, वो लोग चलाते हैं, घुमाते हैं, तो कंप्यूटर भी चलाना जानना चाहिए। ये कहना कि मेरे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ये सही नहीं है। कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए और सीखना चाहिए। और मान लीजिए उनका हाथ कांप रहा है, तो आप यंग एज के जो है उनको, युवकों को दीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, युवकों को दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, उससे आपको फायदा होगा। अगर आप सिस्टम में जाइएगा, कंप्यूटर से व्यवसाय कीजिएगा, बिल कार्ड के व्यवसाय कीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा, व्यापारी को बहुत फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। इसके लिए ट्रेनिंग मस्ट है, ट्रेनिंग के बिना कैंप लगा के ट्रेनिंग दे, तभी जीएसटी का फायदा है। और जीएसटी वैसे तो कल्याणकारी है, देश हित में कल्याणकारी है। क्या होता है कि चारों तरफ पहले था क्या कि सेल टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, जीएसटी लगता था, अब एक टैक्स लग गया। एक टैक्स लगने से कम व्यापारी को फायदा होगा, लेकिन उन्हें जीएसटी के बारे में मालूम ही नहीं है, तो फायदा कैसे ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी के बारे में जानकारी नहीं है। कैंप लगाइए, सरकार से आग्रह मेरा है कि कैंप लगाए और मार्केट में जीएसटी के बारे में जानकारी दे कि हम भी जीएसटी, कस्टमर को जीएसटी के रूप में सामान दे और सामान ले, तभी बिहार आगे बढ़ेगा, समृद्ध भी होगा। करेगा जी जी। और छठ पूजा की बहुत शुभकामना मेरे तरफ से, पत्रकार साहब आपको भी शुभकामना, मुसल्लापुर हाट के जितने भी ग्राहक आए हुए हैं सबको मेरे तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। सर अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं वार्ड नंबर 47 का पार्षद हूँ, पटना महानगर योजना समिति का सदस्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। धन्यवाद।